वेलकम टू माई चैनल केयर लॉग एंड मैं हूँ साक्षी। आज मैं अपना नाइन्थ स्किन केयर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है बहुत सिंपल और बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रात में हमारी स्किन बहुत रिलैक्स होती है, हमारी स्किन पर कोई मेकअप नहीं होता है। तो अगर हम नाइट में अगर अपनी स्किन की कुछ केयर करते हैं तो या हमारी स्किन बहुत अच्छे से रिपेयर हो सकती है। तो आज कुछ ईजी स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी, और उसे अगर आप डेली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, ग्लो करेगी, हेल्थी हो जाएगी। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना है, ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द जल्द ही मिल जाए। तो मेरे नाइट स्किन केयर रूटीन में मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ क्लींजिंग मिल्क। यह है अयूर का डीप क्लींजिंग मिल्क, जो कि मेरे स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, मेरे फेस का सारा मेकअप, सारा डर्ट इजीली रिमूव करते हैं। सो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ और इससे मेरी स्किन ग्लो भी करती है। सो इसे यूज़ करने के बाद थोड़ी सी मेरी स्किन चिपचिपी हो जाती है, जिसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये हिमालया का ऑयल क्लियर फेस वॉश। ये बहुत अच्छा है, मैंने इसका रिव्यू भी दिया है, सो आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो क्लींजिंग मिल्क यूज़ करने के बाद मैं ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ। ये मेरी स्किन से ऑयल रिमूव कर देता है और मेरी स्किन को बहुत ही फ्रेश फील कराता है। देन मैं अपने थर्ड स्टेप में यूज़ करती हूँ स्क्रब, और ये स्क्रब मैं वीक में सिर्फ 2 से 3 बार ही यूज़ करती हूँ। मुझे नाइट में स्क्रब करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नाइट में मैं अपनी स्किन का ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, सो मैं नाइट में स्क्रब करती हूँ। तो यहाँ मैं लोटस हर्बल्स का एप्रिकॉट स्क्रब यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा स्क्रब है, ये आपकी स्किन से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करता है, और आपकी स्किन, आपके फेस की स्किन से डेड स्किन को भी रिमूव करता है। सो ये मेरा फेवरेट स्क्रब है और मैं इसे यूज़ करती हूँ। देन स्क्रब करने के बाद मैं यूज़ करती हूँ रोज़ वाटर, और यहाँ मैं डाबर का गुलाबरी रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही नेचुरल है और ये मेरी स्किन में बहुत अच्छा ग्लो लाता है। और गाइज, स्क्रब के बाद या फेस वॉश के बाद टोनर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारी स्किन को टाइट बनाता है और हमारी स्किन के पोर्स को क्लॉग कर देता है। आप हमेशा अपने स्किन केयर रूटीन में एक अच्छे टोनर का यूज़ करें। अगर आप हार्मफुल टोनर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप डाबर गुलाबरी जैसे कोई भी रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं। देन रोज़ वाटर या टोनर यूज़ करने के बाद मैं यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। दिन में हमें 2 से 3 बार मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, और यहाँ मैं लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। ये मेरा मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। अब है मेरा लास्ट स्टेप, जो कि है नाइट क्रीम। मॉइस्चराइज़र के बाद मैं यूज़ करती हूँ नाइट क्रीम, जो कि है बहुत 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 ज़रूरी। अगर आप नाइट में एक अच्छा सा नाइट क्रीम यूज़ करते हैं तो वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। और यहाँ मैं यूज़ करती हूँ लोटस का वाइट ग्लो नाइट क्रीम। ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत अच्छे ब्रांड का है और बहुत अफोर्डेबल भी है। ये है मेरा सिंपल नाइट स्किन केयर रूटीन। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप भी इसी तरह अपना एक नाइट स्किन केयर रूटीन बनाएं और इसे डेली फॉलो करें। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लगे हो तो आप ऐसे ही प्रोडक्ट यूज़ करके अपना एक नाइट केयर रूटीन बनाएं और उसे डेली फॉलो करें। ये काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट हैं और ये सारे प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप के लिए हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देन थैंक यू।